बेटा एनर्जी वाह Having composers like Palash making great tracks like What the Fark helps camouflage how bad I am at singing and dancing in these tracks. But I'm having fun. ये एक post celebration song है आमिर सानी के लिए. Theme of the song is What the Fark कि दुनिया में what's the difference? Enjoy life. की फर्क पैंदा. The English version I think. Fark F-A-R-K. You should be very clear. Censor board please control. I'm just really excited and thankful to the God. And I'm just doing and it's just happening and now it's What the Fark F-A-R-K now with us and just having fun shooting. बहुत अलग म्यूजिक है और कमर्शियल सॉन्ग के साथ रोमांटिक ट्रैक्स भी है और फिल्म मैंने पहले देखी थी जब मैंने सोचा था मतलब जब मेरे पास सिर्फ कमर्शियल सॉन्ग था लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने प्रोड्यूसर को खुद बोला कि एक रोमांटिक ट्रैक आना चाहिए फिल्म में और मैं रोमांटिक ट्रैक गया और बहुत अच्छा है वो अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल गाड़ी मेरी सिस्टर Amit Sahni made I have two great co-stars and then there's about seven girls in the film that he made. एक लड़का है Amit Sahni जो अपने perfect लड़की के बारे में एक list बनाता है और प्यार के खोज में निकल पड़ता है लेकिन उसकी थोड़ी गड़बड़ है ज़िंदगी में कि ये जो list बनाया है उसमें he cannot date a girl who's off the list. तो जो ये list उसने खुद लिखी है अपने कलम से वो उसको control करने लगती है थोड़ा obsessive compulsive disorder शुरू हो जाता है उसका ये list को लेकर और फिर प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए सो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हाई कॉन्सेप्ट कॉमेडी है जहाँ मेरी शक्ल वाला आदमी एक लिस्ट के साथ जाता है और प्यार ढूंढता है I feel so 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 proud. पहली फिल्म उसकी धिशकियाँ उसके गाने सबने बहुत ज़्यादा पसंद किए दिन पार्टी तो बनती है बिकम ह्यूज हिट एंड नाउ इट्स अगेन अमित सहनी की लिस्ट सो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और उसके पास अभी 18 मूवीज़ हैं जिनमें वो काम कर रहा है पलाश का जो फर्स्ट स्क्रैच होता है वेरी फर्स्ट स्क्रैच वो सबसे पहले मुझे सुनाता है उसके बाद इस बार मैंने उसके लिए लिरिक्स भी लिखे हैं और स्टूडियो में हम लोग बिल्कुल भाई बहन जैसे बिहेव नहीं करते हैं स्पेशली जब वो मुझे गवाता है तब हम लोग बहुत प्रोफेशनल्स हो जाते हैं और डायरेक्शंस मिलते हैं उससे मुझे पूरे यू नो आशिकी 2 के बाद मैंने इतने सारे गाने गाए इतने सारे सॉन्ग्स रिलीज हुए लाइक जय हो का फोटोकॉपी हो या आइसक्रीम खाऊंगी या आर राजकुमार बट वो आशिकी 2 का टैग मेरे साथ है जिसको मैं बहुत ही अच्छी बात समझती हूँ बिकॉज आशिकी 2 के बाद मैंने 128 सॉन्ग्स गाए और पूरी म्यूजिकल टीम के लिए वो एक हिस्ट्री है सो आई थिंक आशिकी 2 का मैजिक क्रिएट करने की सब लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आई थिंक वो फ्यूचर में हो भी जाए बट आशिकी 2 एक ही हो To know more about your favorite superstar, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.